और एक गुलाल वाले क्या बताऊं चाची, हमारे घर वालों को लगता है कि बच्चे कुछ कमाते ही नहीं। अब कमाना वमाना आम आदमी का काम है, हम जैसे कलाकार कमाने की सोचते हैं बोला कौन समझेगा। कल रात को इतना नाचे हैं हम लोग, बदन में अभी चरक दर्द है। अच्छा, पर जा कह रहा है तू, कहीं सफेदी करनी क्या? अरे नहीं, हमारे पिताश्री कल सरकारी कचहरी गए थे ना। अच्छा, वहाँ से काम लेकर आए हैं मेरे लिए, दीवार पर संदेशा लिखने का। ले, ये तो बड़ा अच्छा काम है। हाँ, तू काम खा चिल्ला रहा है। अरे अब हमारे गांव में पढ़ने वाले लोग हैं भी कितने, इधर उधर धब्बे लगा दे, हो गया काम तेरा। और अगर सरकारी इंस्पेक्टर आ जाए तो? अरे पैसे दे रहे हैं ना। हाँ, और तेरी नाटक वाली दोस्त मंडली जो है, एक एक ने एक एक धब्बा लगा दिया तो हो गया तेरा संदेशा। हाँ, कुछ अकल लगा के शक्ल ढूंढ ले, रोता काय को है। मैं अभी रज्जक को भेज देती। कुछ अकल लगा के शक्ल ढूंढ लो, कहना आसान है चाची, बड़ा निष्ठुर जमाना है। पर चाची का कहना भी सही है, बापू बोले संदेशा औरतों के काम का है, और अपने गांव में कितनी औरतें पढ़ सकती हैं। नहीं, अगर सिर्फ धब्बे लगा दिए और किसी पढ़ने वाले ने जाकर शिकायत कर दी तो इस महान कलाकार को गाली और जूते खाने पड़ेंगे। ए दीवार,
तेरा मेकअप करने के लिए मुझसे हाथ नहीं उठाया जा रहा। वासु, वासु, अम्मी कह रही थी तुझे दीवार पे संदेशा लिखने का काम मिला है। कैसा काम है यार? क्या काम है? तेरे समझ में आने वाली बात नहीं है। इतनी पूरी बड़ी दीवार पे संदेशा लिखना है? अच्छा, हाँ, पूरी दीवार पे लिखना है? हाँ, ऐसे तो रंगों में लिखना है। बहुत कठिन काम है यार। तो तू फिर ऐसे क्यों बैठा है? निर्देशक हूँ, उठाया ब्रश और लगाया रंग, ऐसे थोड़ी होता है, सोचना पड़ता है। वासु, मैं हाथ लगा के देखूं? ए रज्जा, हाथ मत लगा, किसी ऐरे गहरे का काम नहीं रे। क्या काम है? दीवार पे संदेशा लिखना है। कितनी बड़ी दीवार पे? इतनी बड़ी दीवार पे? ए वासु, मुझे भी देना, मैं भी लिख दूंगा। क्या बात कर रहे हो तुम दोनों, सरकार का नोटिस है, इतना महत्वपूर्ण काम किसी ऐरे गैरे को नहीं देना है, समझे? यहाँ कौन आता है देखने के लिए वासु? मैं एक अक्षर लिख देता हूँ, एक अक्षर। ए वासु, मुझे भी एक अक्षर लिखने देना। अब दोस्तों के खातिर इतना खतरा मोल लेना, सोचता हूँ। दोस्तों के खातिर लोग अपनी जान तक दे देते हैं वासु, तू ये साला कलम तक नहीं दे सकता। वासु, तू परसों कह रहा था कि तुझे ये बड़ा रुमाल अच्छा लगा है, ये रख ले। अच्छा, ठीक है। पर अब ये सोचना होगा कि पहला ब्रश कौन लगाएगा। वासु, कल मैं हमारी बकरी के लिए हरा घास ले आया। हरा घास? अच्छा, मैं तुम्हारी बकरी के लिए दे देता हूँ, चल। ठीक है, फिर भी ये सोचना होगा कि पहला ब्रश रुमाल वाले को दे दूं या घास वाले को। वासु, तूने चाय पी है सुबह से? हाँ, पर एक ही बार पी है। सिर्फ एक बार? हाँ। मैं दोबारा ला दूं? अच्छा, हाँ। वासु, परसों मैंने बाजार से ना एक सौंफ की पुड़िया खरीदी है। अच्छा, तू ये रख ले। अच्छा। ठीक है, उठा ले ब्रश, जा। हाँ। ए, तू भी लग जा लाइन में, जा। पागल है। अच्छा, ठीक तरह से करना। हाँ, हालिक चो चो हाँ, अस्तो को ठीक कर ले। क्या लिखता है? लिखना भी नहीं आता। ठीक तरह से लिख। क लिखा क्या? हाँ, अब लिख भ। क्या लिखते हैं? क्यों रे शकीला, तबीयत ठीक नहीं है तेरी? चेहरा कितना सूख गया है। क्या बताऊं भाभी, मेरा तो नसीब ही ऐसा है, हमारे खलीद बेटे को रात भर दस्त होते रहे, बिल्कुल सो नहीं सके। हाँ, दस्त से तो बच्चे बिल्कुल सूख जाते हैं। तो क्या, शायद पेट भी दुखता होगा उसका, रात भर रोता रहा।
और हमारे सासू जी गालियाँ देती रहे। रात भर यही तमाशा चलता रहा। कल पूरा दिन मेले में वो शब्बो के साथ था ना? हाँ, वो तो दिन रात शब्बो के ही गोद में बैठा रहता है। हाँ वही तो, हमारी लाड़ी और द्रुपदा कह रही थी शब्बो ने क्या कुछ नहीं खिलाया उसे, उसी की वजह से उसका पेट बिगड़ गया होगा। हाँ शायद। अच्छा भाभी अब मैं जाती हूँ, मैं तो अम्मी जान खफा हो जाएंगी। अच्छा रामू चाचा, मैं डिब्बा लेने बाद में आऊंगी। ये तुम लोग दीवार पर क्या लिख रहे हो? तुम नहीं समझोगी भाभी। अरे महत्वपूर्ण संदेशा लिख रहा है, तुम नहीं समझोगी। अरे संदेशा दीवार पर लिख रहे हो, इसका मतलब ये सभी गांव वालों के लिए है। अरे रज्जाक, अरे बुरुज सीधा धर, सीधा पकड़। बीच में ये भाभी बोल पड़ी, इसलिए मेरा थोड़ा ध्यान हट गया। भाभी बीच में मत बोलो, दीवार पर संदेश लिखना कोई आसान काम नहीं है। हाँ शायद तुम लोग पढ़ नहीं सकते ना, इसलिए बातें बना रहे हैं। अच्छा तो लो ये कागज और पढ़ो संदेशा। संजीवनी, चिटकी भर नमक, चिटकी भर चीनी, मिला के बना दो पानी, दस्त होने पर बच्चे को पिला दो, उसे बचाकर उसकी उम्र बढ़ाओ। पढ़ लिया? दे दो। ये खैलित दा। हाँ। कहा है? हाँ। दा लिखा है, दा लिखा है। हाँ। लिखा है? हाँ। द पा लिख, पा। हाँ। वो भी लिखा है लेकिन। अरे उसको थोड़ा ठीक। हाँ। हाँ। पा। हाँ। ना है? नो है ना यहाँ? हाँ नो, नौटंकी का नो। हाँ हाँ, नौटंकी का नो। शकीला भाभी का बेटा बीमार है तो उसका नसीब, और हमें क्यों गालियां देने लगे? इन बड़ों को लगता है हम जैसी लड़कियों को ढोल बना के दोनों तरफ से पीटना बड़ी आसान बात है। पहले तो जोर जोर से बोलने लगेंगे, स्कूल मत जाओ, बाली उम्र में मजूरी करने मत जाओ, पर बच्चे जरूर संभालो। उस दिन शकीला भाभी हमारी इतनी पीछे पड़ गई थी, बच्चे को ले जाओ, बच्चे को ले जाओ, मेले में ले जाओ, और मैं क्या करती? अरे क्या बोले जा रही है, हुआ क्या? उस दिन महाकाली की यात्रा में शकीला भाभी के खालिद को ना ले जाते तो ताना देती, और शब्बू और मैंने, तुमने वो जो पैसा दिए थे ना चुड़िया खरीदने के लिए, हमने उससे चुड़िया नहीं खरीदी, पूरी पैसे से मिठाई लेके उसे खिलाए। क्या क्या नहीं खिलाया, आइस फूड खिलाया, जिलेबी खिलाई, मीठी लाल लाल सेब खिलाई, कितना खुश था खालिद बेटा। अब हमने भी तो थोड़ी सी मिठाई खाई, हमें तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन इतने छोटे बच्चे को तू साथ क्यों लेके गई? ऐसे मेले में बच्चों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। लो कहा नहीं था मैंने, अब सभी मिलकर मुझे सिखाने लगेंगे, वो क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया। अब जो हम नहीं करेंगे कहेंगे वही सबसे अच्छी बात थी। अच्छा अब रोना धोना बंद कर और बता कि हुआ क्या। ओ शकीला भाभी का बेटा खालिद दस्त के मारे एक ही रात में आधा हो गया है बेचारा, इतना सुस्त सा पड़ा है, लगता है जैसे बेहोश हो गया हो। अब एक तरफ शकीला बीबी और शब्बू रोने बैठी है, दूसरी तरफ जुबेदा जैची गाली दे रही है, उसके पेट में पानी की एक भी बूंद भी नहीं ठहरती, अब इसीलिए उसे पानी भी नहीं पिला रही है। और रजा कहाँ है? वो गांव में किसी दीवार पर रंग लगा रहे हैं। हाय दैया, बच्चे को पानी भी नहीं पिलाया? ऐसी हालत में बच्चे को पानी पिलाना बहुत जरूरी है। भाभी तुम सब जानती हो तो चलो ना, नहीं तो बच्चे की हालत बहुत बिगड़ जाएगी, हाथ नहीं लगेगा। लो घर में बच्चे को दस्त लगे हैं और ये दीवार पर दस्त का संदेशा लिख रहा है। दस्त का संदेशा? हाँ क्या लिख रहा है? लिख रहा है पानी में चुटकी भर नमक और चीनी मिलाकर बच्चे को पिलाना, इसे संजीवनी कहते हैं, ऐसे पानी का जरूर फायदा होगा। भाभी अगर तुम ये सब जानती हो तो जल्दी चलो ना। चल परमेश्वरी छोड़ी से, वो बेचारी पहले ही अपना एक बच्चा खो चुकी है और इस बीमारी में बच्चे की हालत बहुत जल्दी बिगड़ती जाती है। चल उठ चल।
सुबह जब तुमने बताया तो मुझे नहीं पता था बच्चे की हालत इतनी खराब हो गई है। यशोदा, क्या ये सुबह से तुम्हारे पास ही है? हाँ, ये तो रोती बैठी है। देखो ना दीदी, बच्चा कैसा बेहोश सा पड़ा है, इसने तो रोना धोना कभी का बंद कर दिया। और मैं तो कहती हूँ वो सो रहा है, मुझे तो लक्षण ठीक नहीं लग रहा है, देखो तो होंठ कैसे सूख गए हैं। शकीला जा, पानी ले आ और साथ में चीनी और नमक भी। पानी उबाल के रखा है ना? नहीं, उबाला तो नहीं, सिर्फ छान के रखा है। ठीक है, ले आ और बाद में चूल्हे पे पानी उबालने को रख, जा। पानी पिलाने से अम्मी जान गुस्सा हो जाएगी, पानी पिला दिया तो फिर से दस शुरू हो जाएंगे। हाय अल्लाह, मेरे बेटे की तो जान चली जाएगी। तू घबरा मत, कुछ नहीं होगा, बच्चे को पानी पिलाना बहुत जरूरी है। ला, जुबीता अभी कहाँ है? वो अंदर सोई है, अभी भी उनकी आंख लगी है। मेरी माई, देख तो बच्चे की क्या हालत बनाई इस ड्रायर ने। अरे अरे, क्या कर रही है, फिर से पानी पिला रही है, दस करवा के मारना चाहती है उसको। जुबेदा भी मेरी मानी है, इसी पानी को संजीवनी कहते हैं, रजाक भैया वही तो संदेशा लिख रहे हैं ना दीवार पर। देख शकीला, बच्चे को पानी मत पिला। हाँ चाची, ऐसे मत करो, भाभी पढ़ के बोल रही है। सब हो जा, जल्दी से रजाक को बुला के ला, जा। जल्दी कर चलो, खलीद बेटे की हालत बहुत खराब है, मम्मी घबरा गई और भाभी रो रही है। क्या अल्लाह, क्या हुआ मेरे बेटे को? तो चिंता मत कर, हम चलते हैं साथ में। देख गणेश, और तुम काम को खत्म कर देना, ठीक है? तू इधर की फिक्र मत कर, तू पहले उधर जा। अच्छा, तू आजा मेरे साथ, चल चल चल, काम खत्म कर। नहीं जाओ यार, चिंता मत करना। पिछली बार भी आपने ऐसा ही किया, आपने कहा वो बुखार बुरी नजर का है इसलिए दवाई भी नहीं पिलाई, उसमें मेरे बच्चे की जान चली गई। इस बार मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी, दीदी पिला तो मेरे बच्चे को पानी। देख कुछ हो गया तो जिम्मेदारी तेरी, मेरे से तो बच्चे की हालत देखी नहीं जाती, तू इसकी हालत और बिगाड़ देगी। दीदी मत सुनो उनकी, यशोदा पिला मेरे बच्चों को पानी। क्या हुआ मम्मी? देख तो पानी पिला रही है ऊपर से। अरे क्या हुआ इसे, ये तो बुरी तरह से हांफ रहा है। या अल्लाह, रहम कर, ये दूसरा बच्चा भी ना उठा ले। रज्जाक भैया मत घबराओ, मैं इसे संजीवनी पिला रही हूँ। संजीवनी? कैसी संजीवनी? अरे वो जो संदेशा तुम लिख रहे थे दीवार पर, वो संजीवनी। भाभी तुझे क्या मालूम क्या संदेशा था? क्यों, मैंने पढ़ा जो था वहाँ पर। क्या यही लिखा था संदेशा में? मतलब तुम लोगों ने जो लिखा वो तुमने पढ़ा ही नहीं। हमने तो एक एक अक्षर लिखा था, पूरा संदेशा पढ़ा ही किसने है? तुझे पक्का याद है यही था वो संदेशा? हाँ पक्का याद है। एक मेरे पास कागज है। संजीवनी, चिटकी भर नमक, चिटकी भर चीनी, मिला के बना दो पानी, दस्त होने पर बच्चे को पिलाओ, उसे बचाकर उसकी उम्र बढ़ाओ। ये ठीक है, फिर भी चल डॉक्टर को ले आएंगे। अच्छा चल 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 चल।
देख देख बच्चे ने आँख खोली, अब कोई डर नहीं। अरे देखो तो सच्चे। अम्मी डॉक्टर साहब आए हुए। अच्छा घबराने की कोई बात नहीं, तुमने जो ये नमक चीनी वाला पानी पिलाया था ना, वो बड़ी अकलमंदी की बात थी। एक मिनट मेरे साथ। अम्मी हाँ पता है अम्मी हाँ डॉक्टर साहब आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। अच्छा पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि आप इसको बुरी नजर का असर नहीं समझी और इतना आसान सा उपाय किया। मेरी भी तारीफ कर रहे थे। अच्छा क्यों? पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि कोई तो है इस घर में जो पढ़ा लिखा है, इस संदेशा को पढ़ सकता है। नहीं तो सरकार जो दीवारों पे संदेशा लिख रही है, अगर कोई ना पढ़ पाए तो इसका कोई फायदा है? झूठा कही का, इस तारीफ की सच्ची हकदार तो हमारी बेरी माई की बहू परमेश्वरी है। बीमारों पर लिखा संदेशा सेहत का और खुशहाली का, पढ़ न सके जो पागल ऐसा भूला भटका छोटा सिक्का। बड़ी पते की मेरी पढ़ाई, नन्ही से एक जान बचाई, जान बचाए काला अक्षर मन को जोड़े, काला अक्षर मन को जोड़े, काला अक्षर नहीं तो काला अक्षर भैंस बराबर, भैंस बराबर मेरी जिंदगी, भैंस बराबर, भैंस बराबर अपस मेरी, भैंस बराबर, भैंस बराबर काला अक्षर भैंस बराबर, भैंस बराबर, भैंस बराबर, भैंस बराबर, भैंस